हाय फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल वंदनास कुकिंग। आज मैं आपके साथ शेयर करने जा रही हूँ मसाला भात, दही की करी और बीटरूट का रायता। तो चलिए देखते हैं इसकी रेसिपी। ये बहुत सिंपल, इजी और टेस्टी रेसिपी है, तो चलिए शुरू करते हैं। करी के लिए आधा कप दही, 1/8 दो चम्मच बेसन, धनिया, हींग, मेथी दाने, शक्कर, जीरा, राई, करी पत्ते, लहसुन, हरी मिर्च, हल्दी और नमक। तो बाउल में आधा कप दही लेना है, 1/8 यानी तकरीबन दो चम्मच बेसन लेना है। अब दही बेसन को एक साथ फेंटना है। अच्छे से विस्क होने के बाद इसमें आधा चम्मच हल्दी मिलाई है, स्वादानुसार नमक डालना है। इसे एक बार अच्छे से मिक्स करना है। अब इसमें एक कप पानी डाल रही हूँ, तो धीरे धीरे डालना है। मैंने थोड़ा पानी डालकर इसे अच्छी तरह से मिक्स कर दिया है। अब इसमें थोड़ा धनिया डालकर बाकी का बचा पानी डालना है। तो इस तरह से मिश्रण तैयार है। अब गैस पर कढ़ाई रखनी है और आधा चम्मच तेल डालना है, 1/4 चम्मच राई डालनी है, जीरा डालना है, लहसुन और हरी मिर्च कट करके रखी थी वो डालनी है, 3-4 करी पत्ते डालने हैं और उसे एक बार हिलाकर उसमें थोड़ा हींग डालना है। हींग डालने के बाद इसमें मेथी दाने डालने हैं, तो मैंने 8-10 मेथी दाने डाले हैं। अब इसमें और थोड़ा हल्दी मिलाकर उसे एक बार हिलाना है और उसमें जो मिश्रण बनाया था दही और बेसन का वो मिलाना है। अब उसमें थोड़ा और पानी मिलाया है, जो लेफ्ट ओवर स्टॉक था वो मिलाया है। आप चाहे तो अपने हिसाब से कड़ी पतली या गाढ़ी बना सकते हो, जैसे आपको पसंद है। तो इस तरह से कड़ी एक बार बॉईल करनी है, थोड़ा धनिया डालना है और एक बॉईल आने के बाद कड़ी बनकर तैयार हो जाएगी। तो इस तरह से अपनी कड़ी तैयार है। अब हम ग्रीन मसाला बनाएंगे, जो चावल यानी मसाला भात बनाने के काम आएगा। तो मिक्सी पॉट में आधा चम्मच जीरा लेना है, 4 लहसुन की कलियाँ लेनी है, 4 अदरक के टुकड़े, 1 हरी मिर्च और थोड़ा धनिया डालकर इसे ग्राइंड करके लेना है। तो इस तरह का ग्रीन मसाला मिलेगा। वो मसाला साइड में निकाल कर रखना है, जो चावल बनाने के काम आएगा। तो इस तरह से आधा कप चावल, थोड़ी तेंदली, गाजर, हल्दी, नमक और मैंने खड़े मसाले लिए हैं और साथ में ग्रीन मसाला। यहाँ मैंने 1 कप अंबे मोहर चावल लिया है। इसे अच्छे से साफ करना है पानी से और 5 मिनट के लिए सोक करने के लिए रखना है। अब गैस पर पैन रखना है, इसमें 1/2 बड़ा चम्मच तेल डालना है, 1-2 तेज पत्ते और मिक्स स्पाइसेस डालने हैं, थोड़ा जीरा डालना है जो ग्रीन मसाला बनाया था वो डालना है, इसमें अदरक लहसुन हरी मिर्च और धनिया है, थोड़ा जीरा है। अब इसमें 1/2 चम्मच हल्दी डालनी है, कट की हुई तेंदली डालनी है, गाजर डालना है और इसे एक बार अच्छे से मिक्स करना है। तेल में और मसालों में अच्छी तरह से मिक्स होने के बाद इसमें मैंने शाही बिरयानी मसाला 1/2 चम्मच डाला है। स्वादानुसार नमक डालना है और इसे अच्छी तरह से एक बार मिक्स करना है। 1-2-3 मिनट मिक्स करने के बाद इसमें चावल मिलाना है, जो पानी में धोकर रखा था। चावल मिलाने के बाद इसे अच्छी तरह से 1 मिनट के लिए मिक्स करना है, ताकि सारे मसाले सब्जी चावल को अच्छे से लग जाए। अब इसमें लेफ्ट ओवर जो स्टॉक था मसाले का वो डाला है और 1 कप चावल के लिए 2 कप पानी डाला है। उसके बाद लास्ट में 1/2 चम्मच मैंने घी डाला है और इसे उबालने के लिए रखा है। 2-3 मिनट बाद इस तरह से उबाल आने के बाद उस पर ढक्कन लगाकर 10-12 मिनट के लिए इसे लो फ्लेम या स्लो फ्लेम पर पकाना है। तो देखिए, 12 मिनट बाद अच्छे से मसाला भात बनकर तैयार है। आप देख सकते हो कितना खुला खुला और दिखने में भी सुंदर और
खाने में भी टेस्टी मसाला भात बनकर तैयार है। पत्ता के लिए बीटरूट ग्रेट करके रखा है। अब कढ़ाई में एक छोटा चम्मच तेल डालना है, थोड़ा सा जीरा, थोड़ी राई डालनी है, थोड़ा हींग डालना है। अब इसमें हरी मिर्च डालनी है। एक हरी मिर्च मैंने 3-4 भागों में कट की है। 2 करी पत्ते कट करके डालने हैं और इसे इस तरह से मिक्स करना है। और इसमें बीटरूट का कीस डालना है और इसे एक आधा से एक मिनट तक ही गैस पर रखना है। और अच्छे से मिक्स होने के बाद इसमें थोड़ा नमक डालना है, स्वादानुसार नमक डालना है। एकदम थोड़ी सी शक्कर डालनी है, इसे टेस्ट अच्छा आएगा। और इसे गैस बंद करके ठंडा होने के लिए रखना है। आधी कटोरी मैंने दही लिया है, उसे अच्छी तरह से फेंटा है और ठंडा होने के बाद ये बीटरूट का तड़का दिया हुआ मिश्रण इसमें मिलाना है। दही अपने हिसाब से डालना है। अब इसे इस तरह से सर्व करेंगे। सबसे पहले रायता डालेंगे, फिर कर्डी डालेंगे और साइड में इस तरह से मसाला भात दे देंगे। तो ये तीनों कॉम्बिनेशन खाने में बिल्कुल ही स्वादिष्ट लगता है। आप एक बार ज़रूर ट्राई कीजिए और मुझे कमेंट करके बताइए कैसा बना है। तो इस तरह तैयार है मसाले भात के साथ दही कढ़ी और बीट का रायता। अगर आपको रेसिपी पसंद आए तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर कीजिए और कमेंट करना मत भूलिए। थैंक यू।